स्वप्न में देखेगा, स्वप्न क्या आता है इसको, क्या ख्याल करता है, सोते सोते बड़बड़ क्या करता है, बोलता क्या है, फिर बोलता है शिशोक्ति, शिशोक्ति माने गहरी नींद में ये क्या है, किसमें सोता है, अभी तो ऐसा सोया पड़ा है, परमात्मा में सोया है या नींद में सोया है, देह में सोया है या परमात्मा में सोया खोया है, खोया भी सोया जैसा लगता है, सोया भी सोया जैसा लगता है, तो गुरु उसको ऐसा करता है क्या कर रहा है, तो खोया होगा तो तुमको सोने देगा, यदि सोया होगा, अभी तुम सो रहा था, सत्संग होता था तो सोता था, हमने ऐसा देखा, लेकिन तुम ये क्या होता है, परमात्मा की बात जानता है, परमात्मा को कैसा ऐसा मीठा जानता है, परमात्मा को इतना बड़ा जानता है, परमात्मा को ऐसा ऐश्वर्य वाला जानता है, तो जीव की जीव जन्म जन्म की थकान जिस व्यक्ति एक प्रकार की निधि होती, एक प्रकार की निधि होती आलस प्रमाद, क्यों दिन भर मथा लगाता है माया, माया में लगाता है तो यहाँ आगे सोता रहता है, सोता रहता है ना, तो ये सोना गलत सोना, क्योंकि दिन भर माया में बुद्धि लगाया है, गुरु भी ना खुश नहीं होता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो माया में सोता रहता है, और एक होता है गुरु को देख के दर्शन से खो जाता है, दर्शन से खो के ऐसा अपने को भूल जाता है, विस्मृति में आ जाता है, एक प्रकार का वो सोना होता है, एक प्रकार का सोना ये होता है जैसे कि परमात्मा के रहस्यमय ज्ञान को जानता है, तो जीव की जन्म जन्म की थकान जैसे व्यक्ति, तो कोई कोई मनुष्य तो कई बहुत सो जाता है, बहुत टाइम सो जाता है, तो गुरु सब समझता है, क्योंकि बहुत बहुत टाइम का प्यास होता है परमात्मा से पाने का, तो जब जीव पाता है तो वो ऐसा सो जाता है, जैसे उसको कोई संकल्प कोई विकल्प नहीं आता है, ये भी एक प्रकार की समाधि अवस्था ही है, लेकिन एक ही अवस्था में हमेशा नहीं रहना चाहिए, तो फिर ज्ञान कैच करना चाहिए, क्योंकि तो ज्ञान कैच करने से अच्छा रहता है, फिर जाग जाग के ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु का संग बहुत मुश्किल से मिलता है, मुश्किल से जब संग मिलता है तो उनको बार बार ज्ञान कैच करना चाहिए, कितना लोभ होना चाहिए, जैसे बोलता है लोभी को धन के लिए लोभ होता है, ऐसे ज्ञानी को ज्ञान से लोभ होना चाहिए, वचन सुन वचन सुन वचन सुन तो लगेगा ज्ञान वही तो है इतना सुन लिया लगेगा, लेकिन जब गुरु के पास आओगे तो नित्य नया ज्ञान पैदा होगा, तुम्हारे कपड़े ऐसे खुलेगे, अरे बाबा कहाँ पर ज्ञान, हमने समझा ज्ञान दे दिया गुरु से, तो फिर आओगे फिर सुनोगे तो फिर गहरे में लगेगा, फिर गहरे में लगेगा, बोला अरे अभी तो ये त्याग हमने किया नहीं, अभी तो ये बयाग हमने किया ही नहीं, अभी तो ये चीज हमने जानी नहीं, तो तुम अंदर अंदर और जब जाओगे, बहुत ज्ञान अथा है, जो कथते कथते गुरु थक जाता है, ज्ञान जो है कभी कथ नहीं सकता, अकथ कहानी से जो है, ऐसी ये ब्रह्म की विषय जो है ऐसा है कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, देखो नित्य गुरु बोलता है, कई घंटा बोलता है, अब आज तक खत्म ही नहीं हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, खत्म कहाँ से हुई, एंड कहाँ, कुछ पता चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, तुम सुनता ही जाता है, हम सुनाते जाते हैं, शंकर जी राम कथा सुनाते रहते हैं और सती पार्वती सुनती रहती सुनती रहती, जीवन ऐसे ही वो भी अमर है, बनता ही नहीं है, तब भी वो जो है वो सुनाता रहता है, वो सुनती रहती, राम कथा समाप्ति नहीं ऐसा राम, लेकिन सुनने वाला ऐसा प्रेमी चाहिए, ऐसा दिल जान प्राण लगा के सुने, तो गुरु की जिह्वा और तुम्हारा कान जैसे पानी पीता है गिलास से, इस तरह से गुरु के जिह्वा से जो अमृत टपकता है, भक्त का कान पीता है, तो पी के वो दिल में ले आता है, तब जाके वो ऐसा अमर फल बनता है, बहुत बहुत पीना चाहिए ज्ञान, ऐसा पीना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, तब अमर अमर आत्मा जो है, अमर आत्मा से चित्तानंद का ज्ञान होता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाता है, बहुत चाहिए दिल दिमाग माइंड सब लगाना पड़ता है ज्ञान में, तब ज्ञान निकलता है, देखो एक मक्खन निकालने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, बिलोते बिलोते वाला आदमी गर्म पानी डालता है, ठंडा पानी डालता है, तब कहीं मक्खन निकलता है, मक्खन निकला तो उसको गर्म करो तब छानो भी होता है, इसी तरह से सतगुरु कितने कष्ट से कितने ये संसार में कीचड़ में रह के कैसे पिंजर जैसे शरीर को लेके कैसे कैसे तुम्हारे लिए ज्ञान पैदा करता है, तुम्हारे विषय में ज्ञान बोलता है,
तुम्हारा भला कैसे हो, तुम कैसे माया में नहीं फंसो, कैसे परमात्मा में लीन रहो, कैसे सदा सुखी रहो। गुरु का क्या है गाली देना, मारना, गुस्सा करना? तुम समझते हो गुरु गुलाम बना रहा है? ऐसी बात नहीं है। अरे तुम्हारी इतनी बनी बनाई वृत्ति है, तुम इतने परमानंद में लीन रहते हो, तुम क्यों कीचड़ में जाओ? हम तो कीचड़ में जाके जब अज्ञान में गए थे तो आज तक खाई रहे हैं, मार खाई रहे। ये तो तुम सबकी कृपा है जो तुम इतने हाथों से हमारी मदद करते हो, सेवा करते हो, जो कीचड़ में हमको कीचड़ से निकालते हो, सब तुम्हारी कृपा है। और नहीं तो अकेले होते तो ये दलदल कहाँ ले जाता, कहाँ पहुंचा देता था आज? पता नहीं हड्डी पसली भी मिलती नहीं। तो ये ज्ञान के सहारा से, ज्ञान की कृपा से, गुरु की कृपा से देखो आज तैर तैर के ऊपर ऊपर से हम जाते हैं, और सागर में तैर तैर के किनारे पर नाव आ चुकी है। नहीं तो ये कितनी कीचड़, जो ऐसा फ्रेश आराम में बैठा हो, तुम जानते हो, तो तुमको किसी बात की इच्छा नहीं, भूख की इच्छा नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, तो गुलामी क्यों करो किसी की? तुमने अंदरूनी गुलामी अभी देखी नहीं, क्यों? जब तक औरत नहीं होती वो लाइफ को मालूम नहीं होता, लाइफ के जूते नहीं मालूम होते। अब जब तक कॉलेज नहीं जाता तो उसको नॉलेज नहीं होती, सुना? इसलिए तुम जानते नहीं अभी दुख क्या है, संसार का दुख अभी मालूम नहीं। थोड़ा थोड़ा बहन भाई का मेरा तेरा ये दुख सुना, उसका तुमने तो समाधान किया, बस उसी में तुम जानते हो संसार का दुख, सच्चा सच्चा दुख जानते हो। कब पैदा होता है? जब औरत मिलती है या मियाँ मिलता है, बस वहीं से सच्चा दुख और सच्चा सुख पैदा होता है। सुख भी वही पैदा होता है, दुख भी वही पैदा होता है। वो दुख पैदा होता है जो जिंदगी भर छुट्टी नहीं, जिंदगी भर पैदा नहीं होती, लेकिन इच्छा और वासना क्या रहती, सुख। और सोने के सब जेवर पहना के बहुत अच्छा सजा धजा के, जैसे कोई कैदी को जेल में नहीं डालते हैं, लोहे के कड़े डालते हैं तो बोलते जेल में गया, यहाँ सोने कड़े डाले जाते ना, हो तो कर्जा लेके भी सोने कड़ा बना के पहना के उसको ऐसा डालते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए जेल में चला जाए। तो एक परमार्थी को सोच लेना चाहिए, मेरा जीवन की शुरुआत कहाँ से है, एंड कहाँ से, आखिर तो मरना है। तुम 100 बच्चे पैदा करोगे तब भी मरना है, एक भी बच्चा नहीं पैदा करोगे तब भी मरना है। तो विवेकानंद के तो कोई बच्चा नहीं था, रामतीर्थ ने बच्चे रास्ते में छोड़ दिया, लेकिन आज उनका नाम है। अब बच्चे वाले तो बहुत होंगे, वो उनका एक को नाम नहीं सुना। दुर्योधन का बाप था धृतराष्ट्र, उसका नाम तो कहीं भी नहीं कोई था, तो उसका नाम कहीं नहीं है। क्यों? देखो दुर्योधन दुर्बुद्धि पैदा हुआ, दुर्बुद्धि पैदा हुआ तो अभी तक उसको गाली मिलती होगी नहीं। तो विवेकानंद का तो बहुत नाम है, देखो विवेकानंद बड़ी बड़ी आंख करके वहां खड़ा है, कितना अच्छा लगता है। उसको जवानी सलामत थी, जवानी ऐसी बनी हुई थी परमात्मा के, उसमें कैसा अच्छा फोटो उसका लगता है। यहाँ से लेके कहाँ कहाँ तक उसका फोटो है, और कहाँ कहाँ तक उसके बच्चे हैं। सच्चे बच्चे तो जानते रूह के बच्चे होते हैं, ये जो शरीर के बच्चे होते हैं सच्चे नहीं होते, ये तो कर्म भोग का है। कर्म भोग है तो उसका देन लेन होता है, तो बच्चे कोई बना है, कोई माँ बना है, कोई बाप बना है, कोई बना है। लेकिन रूह के बच्चे जो होते हैं वो सच्चे बच्चे होते हैं, वही बच्चे रूह को उद्धार करते हैं, उसी से बहुत आराम मिलता है। तुम नाता है संसारी नाता कोई नाता समझते हो, हम तो मूर्खता समझते हैं। सच्चा नाता तो रूहानी नाता है, यदि रूहानी नाता सच्चा न होता था तुम कैसे लटक पड़े हो, अटक पड़े हो, वैसे चले आते हो, कौन ले आता है तुमको? तुम्हारा मन तो बोलता है सो जाओ, जाओ ही नहीं, कहा क्या आफत मचाए, दुख मचाए, एक फिर खींच के कौन ले आता है? रूह ले आता है, तुम्हारी रूह जानता है मेरा घर कौन है, मेरा पक्का दोस्त कौन है, मेरा सब कुछ कौन है, रूह जानता है। नहीं मन फिर गफलत करता है, जगत फिर ये डालता है, लेकिन रूह तुम्हारा जानता है। इसलिए जिसको कुछ चाहिए नहीं तो उसको बंधन में आना नहीं चाहिए, बस मेरी है। जिसको देखता है उसको सुंदर बनाता है, तब उस तब अच्छा लगता है। तुम्हारा बने तुम सुंदर चीज को देखता है मोहरे की तरह लोभी लटक जाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सुंदर जानते नहीं दुनिया में क्या चीज होती, हम सुंदर
परमात्मा में जिसका मन होता है उसको हम अपने प्रेम से सुंदर बनाते हैं, और सुंदर बनाने के बाद वो हमको अच्छा लगता है। तुम्हारी सुंदरता हमारी सुंदरता में फर्क है, तुम बाहर के चमड़े में लटक पड़ते हो, सुंदर होगा तो उसको वो तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, गुरु भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन से किसी सुंदर चमड़े को तुमने देखा होगा उस दिन से समझा गुरु पसंद नहीं आए, गुरु उतना अच्छा नहीं लगेगा। हम ऐसा नहीं करते, हम अपने नजरों से उसको सुंदर बनाते हैं, उसकी लय जीवन बनाते हैं, उसकी मस्ती बनाते हैं, उसके प्रेम, उसके ऐश्वर्य, उसके सब चीज को बनाते हैं, अपनी नजर डालते हैं। हमारे नजर से हम जिसको देखते हैं वो सुंदर हो जाता है। यदि दिल से हमने देखा, दिल से हमने लाइक किया किसी को, हम उसको सुंदर बनाते हैं, और बनाने के बाद जो है तब उसको देखते हैं। देखो इसके अंदर में राम रंग आया तो ये सुंदर लगी, तो हमने देखना शुरू किया, नहीं तो आज तक हम देखते नहीं थे। कभी आती थी बैठती थी हमको पसंद ही नहीं आती, तो हम नजर डाल के सुंदर बनाते अपनी नजर से। तुम सुंदर चीज के ऊपर खींच जाते, देखो अभी साधना की कितनी कमी है, हमारे पास एक से एक ब्यूटीफुल लोग आते हैं, हमको पसंद ही नहीं आते। उन राम जादव का राम रंग है नहीं, क्या पसंद आए? तो हम पहले पहले राम रंग पैदा करो, राम का बीज डालो, उसमें राम पैदा हो, तब वो सुंदर होता है। तुम सुंदर चीज में खींच जाते, ये कमजोरी है। से क्या होगा, कभी ना कभी तुम गिर जाओगे। हमारे जैसा सुंदर कौन है दुनिया, जिसके की रामी राम भरा हो, रामी राम भरा हो वही सुंदर होता है। नित्य तुम क्यों आते हो, सुंदर न होता आते क्यों? नित्य देखने के दर्शन के लिए जो आते हो ना, तो सुंदर है तभी तो आते हो। सत्यम शुभम सुंदर, अभी हम न बैठे देखो सबका मन चलेगा, तब भाग जाएंगे यहाँ से। सुंदर में सुंदर हो तो रोके सबको, कौन है सुंदर में सुंदर? आए हमारी गद्दी में बैठे और रोके सबको, न जाने दे। ऐसा सुंदर अपने भी पैदा करना पड़ता है, ऐसा प्रेम पैदा करना पड़ता है, उसके लिए बहुत योग करना पड़ता है। नहीं आता है जल्दी से, कोई उमंग नहीं आता है। एक दिन प्रवचन सुनने से जिसके मन में ऐसा प्रसन्नता आ जाए, चेहरे में फर्क आ जाए, वो बड़ा भाग्यशाली आता है। सुना है उनको तो इसी तरह से शांत करता, मानो या न मानो, इसी तरह ये हमारे ज्ञान अच्छा होता जाता है ना, ये भगवान की भक्ति से मनुष्य नहीं समझता है, लेकिन दुनिया संसार सब लोग समझे पगले हैं। हर बहुत देखो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, माँ बाप के पास पहले जाते थे, इनके पास जाते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान की भक्ति से कल्याण ही कल्याण होता है, कभी नुकसान नहीं होता। एक पत्थर में तुम पत्थर दौड़ डालते हो तब भी देखो कभी नुकसान नहीं पत्थर में, तो एक व्यक्ति में भगवत दौड़ डालते हो तो व्यक्ति तो फिर भी तुम्हारी सफाई करेगा, क्या नुकसान हुआ है? चलो फायदा ही फायदा हुआ है, तुम्हारे मन नुकसान न समझे। तो कभी भी एक पत्थर में तो दूध पानी फूल डालता है भगवान, देखा भी नहीं भगवान है कि नहीं, और कुछ बोल बोल के तुमको और फिर से उसने ठीक भी नहीं किया है, खाली बोला, सबने बोला है भगवान है, जो भी भगवान था, और उसमें भी फायदा होता है विश्वास जिसका हो जाए। तो जिस केतन में ऐसा विश्वास हो जाए भगवान का, तो उसको कितना फायदा मिलेगा ना? मन का रुकने वाला मन भी देवता से रुक जाता है। सब चैलेंज देते थे ये बैठ जाए तो जाते थे, कितना घंटा भी बैठ जाए, इतना घंटा सो जाती है उनका शांत हो जाए। ऐसा भूत ऐसा चंचल मन को कौन किस कैसे रोक सकता है? देखो ये तो प्रत्यक्ष बात है, जैसा भूत ऐसा घूमता था उतर जाता था कैसे करता था, नहीं अब सीधा आता है, सीधा आता है पागल होते भी आता है, जैसे सांस नहीं होता बोला तो बीन सुनने आता है, ऐसे मन भी ये सांप ही की तरह दौड़ दौड़ के बीन सुन जाता है। तो भगवान की भक्ति से कभी नुकसान ना हुआ है ना होगा, ये याद रखना। हमारे संकल्प में गलत हो नहीं तो ज्ञान से ना कभी नुकसान हुआ है ना होगा, मुझे शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, ताकत मिलेगी और बहुत आराम होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष
एंड मिलता है मोक्ष, और हमारी इच्छा पूरी, काम माने इच्छा और अर्थ माने पैसा और धर्म माने धर्म को समझते हो, और एंड जो है एंड मुक्ति कैसे होगा, जब अभी तुम्हारा मन भगवान में लगा हुआ है, अभ्यास आ गया भगवान में लगने का, तो एंड में भी जरूर भगवान आएगा। दुखिया है, कष्ट है, ममता है, वो है, इससे छुड़ाना बहुत कठिन होता है, जीव इसी याद में मरता है। लेकिन जब भगवान से जिसकी प्रीत हो चुकी है तो मरते समय भी बोलेगा गुरु जी पहले झूठ कहता था, कष्ट से भगवान से कनेक्शन कर लो, बिना हरि नाम के समझ लेना ये जीवन नरक मन ही तुमको दुखी दुखी करता रहे, चाहे स्वर्ग भगवान सब कुछ भी दे दे भर दे तब भी इंसान दुखी रहे। देखो अभी सब कुछ सबके पास है ना, जब मन आता है तो भूत प्रेत दुखी करता है, मान लो सब मर जाए, चाहे पूरे में कुछ मर जाए, चाहे भाग जाए, चाहे पता नहीं क्या कहता है, मन ऐसा देखे के पास सब कुछ मन आया भूत तो उसको गौरव ऐसे बैठ गए भाव है ना। और क्या हुआ था, अयोध्या थोड़ी चला गया था, राजा दशरथ आ रही था, मन भूत ने देखो कैसा किया, तो बोलता है मन मत त्यागे प्राणी गुरु मत त्यागे, गुरु जैसा बोलता है, गुरु का जैसा विचार है उसमें तुम चलने की कोशिश करेगा ना, तुम बहुत ऊंचाई है, अपने मन की करना चाहता है, अपने मन की करना चाहता है, ऊपर जैसा बोलते गुरु जैसा बोलता वैसा करो, गुरु का क्या विचार है तुम समझो, तुमको मानो गुरु के विचार से चलेगा तो इशारे में चलेगा तो देखो अच्छा होता है। घर में एक सास होती है, एक गुरु होती है, बहु यदि सास के इशारे से चले तो उस बहू की कितनी इज्जत होती है, अच्छा बहु सास के इशारे पर न चले तो बहू की बदनाम लग जाती, इसी तरह से गुरु के पास तुम आता है तो गुरु के इशारे से चलो, गुरु कैसे चलाना चाहता है, किस तरह चलाना चाहता है, वैसा चलेगा तो तुम अपने आप चल जाएगा, कोई मेहनत भी नहीं पड़ेगी, रास्ते में थकान भी नहीं लगेगी, मेहनत भी नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, तुम अपने आप बात कौन बोल रहे मर्जी मिला के चलने में क्या है, जैसी गुरु की मर्जी वैसी मेरी मर्जी। एक आदमी आया गुरु से ज्ञान लेने, उसने बोला गाय चराने जाओ, चार सौ गाय मेरी चरा दे, हजार हो जाएगा तो लौट आना तब ज्ञान देंगे, उसने ही कुछ नहीं कहा तो चला गया गाय को, है ना, गाय को लेके चला गया, आया तो था वो ज्ञान लेने गुरु के पास, बोल सकता था हमारे ज्ञान लेने की गाय चरा जाए, तो देखो गाय चरा के चरा के चरा के फिर बैली ने उसको उपदेश दिया, फिर रास्ते में ही वो ऐसा चमक आ गई थी चेहरे, जो ज्ञान आता है तो चमक आती है, जैसे बच्चा आता है तो औरत भारी होती है, इसी तरह से जब ज्ञान अंदर में आता है तो मनुष्य का चेहरा चमकने लगता है, ना आ रहा है देखने का मन होगा, रूप चमकता है परमात्मा के प्रेम में, सच्चा प्रेम परमात्मा का आया हृदय में तो रूप चमकता है, उसके बाद गुरु ने खुद ही बोला है तेरे चेहरे में इतना चमक कहाँ से आया, तब वो बोलने लगा हम आपसे कह रहे थे गाय चराने गए, वहां से उपदेश किया, हमने उपदेश किया तो हम उसी का चिंतन करने लगे, ब्रह्म चिंतन करने लगे, ब्रह्म चिंतन करते करते हमको बहुत आराम तो गुरु ने फिर बोला कि तू पूरा पूरा परमात्मा है ना, तू पूरा पूरा आत्मा है, निराकार ब्रह्म स्वरूप है, तो बस निश्चय हो गया, देखो ज्ञान लेने में कितनी देरी लगी, लेकिन तुम्हारा मन पता नहीं कैसा आएगा, सोचा रहता है सीधा नहीं रहता है, गुरु की मान के चलो तो ज्ञान लेने में देरी नहीं होती, ना मानने से तो देरी होती है, ऐसा रहता है मन में ऐसे सब मन के कब्जे में, विचार के कब्जे में रहेगा तो कहाँ से आराम मिलेगा, परमात्मा के कब्जे में क्यों नहीं रहता, परमात्मा को नमस्कार क्यों नहीं करता है, परमात्मा के राजा में राजी क्यों नहीं रहता, देखो आज परमात्मा चाहता है तो कर्म भोग ऐसा होता है हाथ तोड़ देता है, पैर तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, इतना कष्ट होता है कभी सहना पड़ता है, यदि उसमें शुक्राना न मानो तो रोए आए आए तरे आए जाए पर तोड़ दिया था, अरे एक तोड़ दिया दूसरे तो है, एक तोड़ दिया दूसरा तो है, देखो शुक्र होने से बात भाई इतना दर्द तकलीफ है, अभी हम वहां से बहुत तकलीफ दर्द हो रहा, तुम लोग मानोगे गाड़ी पहन के हम ऐसे बैठे हैं, कौन जानेगा हम बीमार, कोई जानता ही नहीं कि हम बीमार है, अब सारा दिन दोपहर भर बीत गया दर्द बीमारे पीड़ा तुम्हारे दर्द है, अब देखो बैठ ज्ञान बोल रहे अभी भी हमको है दर्द, लेकिन वैसे पता नहीं कौन भगवान की शक्ति है, कौन खड़ा करता है, कौन दुर्दर्द सोख लेता है या भूल जाते हैं या पता नहीं क्या होता है, यहाँ जाएंगे रात में दर्द तक ले गई, तो ऐसी बेचारी है दो चार दिन ही लोग उसकी सेवा करती है,
सच्ची बताए नजर नींद नहीं आती, आराम नहीं आती, बेचैनी रहती। तो फिर भी हमको उठा तो देता है ना भगवान, चला देता है, उठा देता है, ये ऐसे फ्रेश लग जाए। देखो बीमारी है जो हमको अपने चेहरे से आती आ जाती है। जो ज्ञान पाके ये दर्शन पाके खुश हो जाता है। पहले दर्शन में तुम्हारे चेहरे में चमक आई, खुशी मिली ना तो ये खुशी को बरकरार रखो। जैसा कनेक्शन कनेक्शन करेगा तो तुम जहाँ हो वहाँ तुम सत्संग कर सकते। पढ़ाने वाले आदमी तो अपने बच्चों का सत्संग कर सकते, कहानी के तौर से भगवान की बात कर सकता है। नहीं, भगवान की बात करते 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 उसी में रम जाना एक सत्संग है। तो तुम सत्संग करो बच्चों को, बच्चों पढ़ाते हो ना, थोड़ी देर ऐसा टाइम ले लो बच्चों से भगवान की बात। अरे भगवान की बात करते 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 तो भगवान को भी सुनने के लिए आते, पीछे पड़ जाएंगे भगवान, सारी दुनिया गलती करते करते छोड़ देती है लेकिन भगवान नहीं छोड़ता, याद रखना। तो दुनिया दोस्ती क्या भी करो, चांद खिला दो, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती खत्म हो। सच बताए इंसान की दोस्ती पक्की सबकी ऐसी होती है, और भगवान की दोस्ती जो था थोड़ा थोड़ा शुरू करो, धीरे 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 बहुत बड़ी बहुत बड़ी हो जाए, घिराव डाल देगा भगवान। देखो आपको तो घिराव डाला है, जान छुड़ा के भागना चाहे तो भाग नहीं पाते, सोना चाहे सो नहीं पाते, उसी में थोड़ा कहानी जोड़ दो, थोड़ा भगवान के पास जोड़ दो, लंबी कहानी हो जाएगी है ना। एक दिन एक आदमी ने ज्ञान ज्ञान सुन लो पहल दिया, तो भैया जी हमारे से ज्ञान सुन के घर गए, तो हमने उधर एक कहानी बताई रन्ना भगत की, रोटी नमक खा के भगवान ने गुलामी शुरू कर दिया। तो उसके घर में अपनी लड़की को खाना खिला रहा था, तो उस टाइम भगवान की कहानी बता रहा था। तो कहानी बताते बताते देर से दिन करता 14 दिन भगवान, तो वो आदमी भूखा रहा। डॉक्टर क्या सोना बोला चलो, तो साथ में था उसने बोला नहीं ये रात को कहाँ चलोगे, बोले हमसे नहीं चलना है, चलो झगड़ा हो गया, हम उसके झगड़े उतर जाते हैं। हमने बोला चले तुम जाओ ना जाओ हम आ जाते, गए तो बुला रहे भगवान, अभी तुम कहानी बता रहे थे भगवान ऐसे आते ऐसे प्रकट होते हैं 14 दिन। हमने बोला 7 दिन तुम आया, हमने ऐसा बोला था हमको एक रोटी दिया एक नमक किलो मर्च वाली रोटी दी नमक दी हमने खाया। तो देखो भगवान की बात करता है, सच में भगवान आता है, सच में भगवान सच्ची देता है, ये सच्ची सच्ची बात बोलता है। सच जी की प्रेरता द्वापर की मैं साथ दिलाता हूँ, कसम दिलाता हूँ महिमा बोलो बबो, हम तो दुनिया प्रपंच बनते वापस, तो भगवान महिमा बो बबो ना क्या क्या भलाई देगा तुम आए तुमको क्या क्या फायदा पड़ा। अरे संतों की बात सकते सबसे नहीं था क्या, संत नहीं था भगवान ने क्या किया वो बताओ। संत की बात छोड़ो, संत की बात पुरानी बात, नया फैशन का कपड़ा पहनते हो ना, और नया फैशन भगवान का, संतों की बात भी छोड़ो,
सारी से भगवान से क्या है, तो भगवान की बात की फायदा बताओगे तो भगवान और लीजिएगा। संत की बात तो बताने लगता है ना तब नाम रूप में जाता है, जैसे दादा की बाबा की बात बताता है, दादा की बात बताता है, नानी की बात बताता है, बाबा की बात बताता है, भगवान खाली भगवान, डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से बस, और कोई उपाधि से नहीं पाता। गुरु गुरु करता है तो उपाधि मानता है, ब्रह्म से पहले तो कनेक्शन करता है, जो ब्रह्म है निराकार सारे शक्ति है सारे संसार का मालिक है, उस मालिक की बात नहीं करता है, छोटा छोटा चीज की बात करता है। सिंह से पानी निकलता है, धरती से क्यों नहीं पानी निकलता है, धरती के पानी कभी नाश नहीं होता, सिंह का पानी सिंह जरूर टूट जाता है, शरीर छूट जाता है तो तुम्हारा गया फिर, ऐसा हमारे उसे कनेक्शन होने के बाद तुम जाओगे कहीं भी किसी के शरण में गए उसका पहुंच हुआ ना, हम तो वहाँ भी शराब देंगे। हम जाने हम जब थे तो तुमने क्यों नहीं कनेक्शन किया, क्यों नहीं ज्ञान लिया पूरी तरह से, हम कहे जगह जगह जाके सर ऐसा ऐसा छूता है, सर था क्या जो छूता है, एक सर था एक गुरु को दे दो दान, दूसरे जगह का है सर जुटाने जाएगा, अब सर न झुकाना पड़े किसी के साथ लक्ष्मी। इसलिए दूसरे के पास जाता है सर दुकाने सर, वो तो जाओ लेकिन सर कट गया है नहीं सर, दे दिया गुरु को क्यों, अब क्या सर लेके दूसरे के पास जाता है, बीमार आदमी है क्या, याद रखता सर नहीं होगा तो नहीं जाएगा, सर होगा तो जाएगा, तो बोलता है ये सर है अमान सब गुरु का, सर दर में झुकाया नहीं जाता, एक गुरु को झुका दिया बस खत्म, प्रसन्न हो गई, तब जाके गुरु भक्ति शुरू होती है, क्या होता है। तो आज ऐसा देखो कल कल काली माता आएंगी, बोलो हाँ जी बड़ी लंबी है काली माता, बड़ी बजरंग बली, कल बजरंग बली आएंगे कहेंगे हाँ ये बड़े तगड़े हैं, है ना, परसों इंद्र देवता आएंगे कहने ये काम बात ना बहुत बुरी कर दी, ये किसके पीछे चली जाओगी तो फिर तो गया गया, सबको सूट करना पड़ेगा, सबको सूट करके एक ब्रह्म में स्थित रहो, ब्रह्म का चिंतन करने वाला कभी नाश नहीं होता, वो उसको जन्म मरण नहीं होता है, और सब देवता का पूजन करने वाला वो उसका जन्म मरण होता है, थोड़े दिन मन इच्छा वाली फल मिलेगा, फल मिला तो क्या हुआ, यहाँ का बिना नाश वाला भोग मिलेगा यही नाश हो जाता है, यहाँ मिलता है छूट जाता है, सावित्री ने ऐसा ऐसा किया, कहाँ है सावित्री, कहाँ है सत्यवान बताओ, है ब्रह्म है ब्रह्म है, ब्रह्म वाला तो आज भी अमर है अजर है अविनाशी है मरा नहीं, लेकिन सावित्री सत्यवान है शरीर शरीर की बात है तो गए सब कुछ पता नहीं गाजरे, लौट आया है नहीं लौट आया, आज तो है नहीं हम क्या जाने लौट आया कि नहीं लौट आया, तो कौन कमाल आखिर तो छोड़ नहीं पड़ा, आखिर तो फिर कहाँ आया, आप मिल जाए हम लोग को तो हम जाने की हम आ तो शरीर से कोई भी अमर नहीं, शरीर से तो राम गए रावण गए जाके बहु परिवार, राम रावण सब चले गए तो कौन सावित्री सत्यवान रहते हैं, शरीर तो है ही नाश होने वाला झूठा है मिटता ही रहता है, लेकिन ब्रह्म सत्य है, एक वो ब्रह्म तो द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है ब्रह्म के सिवाय और सब ब्रह्म का ही पसारा है, ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, ब्रह्म ही निर्भय निरंजन है, तो ऐसे ब्रह्म में तुम हो जाओ तो मजा आए, और सब झूठ याद रखना, तो तुम्हारा मन इधर इधर उधर लगता है ना तो ब्रह्म तक जाता ही नहीं, तभी तो हम हाई आते क्यों बचाते हैं, अरे भाई चढ़ाई ऊपर चढ़ो ना, ऊपर चढ़ो कोई मन लेके बैठता है तो पेट लेके बैठता है, कोई सर लेके बैठता है, ये तो रोज ही इनमें कुछ ना कुछ पीड़ा होती है, क्या करें हमारे सारे बदन में पीड़ा होती है तो हम क्या करें, हम लोग इसका जब करें बदन का हमारे नला क्या करें, दर्द होता है तो दर्द होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है, शरीर को लेके बैठे रहे तो फिर तकिया चढ़ ले लेंगे, फिर भगवान में आ जाओ, फिर भगवान में आ जाओ, फिर भगवान में आ जाओ, मजा आ जाता है, भगवान में ही आराम होता है और कहीं भी आराम नहीं होता है ना, तो आत्मा आत्मा ही अच्छा होता है, आत्मा प्रसन्न किया और सब कुछ कितनी देर तक मन आता है भगवान, कैसा तुम्हारा चेहरा बन जाता है, कैसा तुम्हारा नंदा मन बन जाता है, कुछ समझ में नहीं आती, कोई ख्याल आया भी दूसरे ख्याल से काटो, गुरु ने बोला है तू आत्मा है तो ख्याल का रूप दिखता है बताओ, ठीक है कोई ख्याल आया भूल गए, गुरु ने क्या बोला है तू आत्मा बोला है ना, आत्मा तुम निश्चय करो अभी ख्याल बताओ कहाँ है तुम्हें, अलग क्या दुखी हुए तो आत्म निश्चय में आओ, अभी अभी आओ सेकंड, वो ख्याल कहाँ है बताओ, नहीं
नहीं तो एक ख्याल आता है, एक महीना तो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। एक किसी ने एक शब्द कहा तो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। दूसरे अपना ही नुकसान होता है ना, अपना नुकसान होता है, कर्म बनता है। अरे भाई एक एक बात किसी ने कहा तो चुप हो जाओ, छुट्टी मिली जाओ, नुकसान कौन सा हुआ? अगर कोई बात कह दिया किसी ने भी कोई बात हमको बोली तो मन को ही तो बोली है, मन को हम सुधार, मन का तो अच्छा है। अभी कोई तुमको मन को गाली देता है तो मन तो है ही हरामी है ही हराम। मन को तो अच्छा तुम कहोगे तो हमको तुमको फटा फटा के मारे, जब तक हमारी ताकत होगी तब तक मारे। मन अच्छा है ही कहोगे तो ये जान लेना हम जब तक जिंदा रहेंगे तो मन को अच्छा है ना। मन मन अच्छा होता था, आज प्रभु के ऊपर आवरण किस चीज का है? मन मन का ही है ना, तो मन को अच्छा लगा, इंद्रियों को भी अच्छा लगा। इंद्रिया भी देखो बर्बस जाती बाहर आ जाती है, और मन जो होता है चंचल, इतना चंचल है भूत जैसा, तो इन दोनों को तो अच्छा लगता है। परमात्मा अच्छा है, परमात्मा में जब मन लग जाता है तो यही मन ब्रह्म रूप हो जाता है। पीछे देखो इसी मन की पूजा होती है, आज जो पूजा होती है किसकी होती है? मन की होती है। मन का है मर गया भगवान में ऐसा लग गया तो उस भगवान की पूजा होती है। क्यों? मन ही ब्रह्म स्वरूप बन गया तो मन अपना ही कृष्ण मुरारी बन गया। हाँ तुम भी अपना मन कृष्ण मुरारी बनाओ, ऐसी श्रद्धा लाओ तुम्हारी पूजा होगी। तुम श्रद्धा नहीं लाते तो पूजा नहीं होती। तो यदि पहले बिना भगवान में लगे कोई कहे मेरा मन अच्छा है तो भी जान लेना तुम्हारा जैसा बदमाश आदमी नहीं जाना, इसीलिए मन की चंचलता का फर्क पता ही नहीं चलता कि मन ने खराबी किया।
रोकने का आनंद नहीं मिला अभी। जब आपके पास आके मन को रोकना महसूस किया, मन को रोक के क्या आराम मिलता है? आपकी गाली पड़ती है, आपकी मार पड़ती है, क्या जब मन रुकता है तो जो आराम मिलता है तब मन ये महसूस कर पाता है कि इसमें कितना फायदा है, नहीं तो महसूस ही नहीं होता। इसीलिए आदमी अपने मन की गलती नहीं जानता। आज तो तुम लोग अच्छे खाते हो, ऐसे कल कोई दुख सुख पड़ेगा तो दुख का चिंतन करेगा ये मन ना। हाँ, दुख का इतना चिंतन करेगा ये मन, रुला मारे हटेगा नहीं। नहीं, भूस को क्या करना है, जला मारना है ना। जब रावण को तो तुम जला मारते हो तो भूस को भी चलो सब मिलकर जला मारे ना। ज्ञान की अग्नि दहक रही है उसमें डालो, मन मेरा आप ज्ञान की अग्नि में स्वाहा हो जाए। बस देखो कितना अच्छा हो जाए, सुख से ज्यादा तो दुख का चिंतन होता है। कभी तो अहंकार में फूलता है और कभी दुख में झूलता है जी। मन की ऐसी दशा है, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, सुख में भी दुख पैदा करेगा। ये सोचेगा हमारे दुख का जड़ जो है ना दूसरा है, ऐसा समझे। चाहे दूसरा तुमको आराम भी देता हो तो ना, दूसरा आदमी को आराम भी देता हो, ये लगेगा मेरे दुख का जड़ ही दूसरा है। जान लेना, ये नहीं समझता मेरा दुख का जड़ मेरा मन है। मन को नहीं देख पाता है ना, तभी तो मानता है दूसरा जड़ है, दुखी जड़ ना। भूत जो है अपने मन। और अभी तुम जो भी बात हुई घर में क्या हुआ, वो तो घर में रह गया। अभी भंभोर होके क्यों बैठा है, पसेरी भरकर सब क्यों करता है? हल करके पेट की तरह बाल फुला के बैठा है क्यों? जो बात हुई वही वही हो गया घर में। हाँ, बस था अभी कहे गए तुम फुला के बैठा है। फिर ऐसी बात हो तो तुम बोला ना, बोलो तो उसका जवाब तो हलो यही जवाब। तुम्हारा है परिवार, तुम्हारा है शरीर, हमारा है सब, हमारा ही हमारा है तो बच्चों के तुमको पढ़ेंगे। क्या क्या घर हमारा, परिवार हमारा, फिर वहाँ बात होगी सुख दुख सब फिर हमारा हो गया। भगवान का वही हुआ ना, भगवान का भी सब भगवान का अर्पण करते हैं, तो मिल जाए भगवान का, मेरा भगवान का सब भगवान का, तो फिर गाली भी भगवान को मिली, सब भगवान को मिले। मेरा मेरा करता है तो फिर अलग हो जाता है। मैं नहीं हूँ बाबा, भगवान है, उसी का नमस्कार तो मैं करता हूँ। अच्छा, गुरु को मान ले तो वही मन नीचा हो जाता है। मन ऐसा नहीं कि मन नहीं आता है, मन खराबी नहीं करता है, लेकिन गुरु की मान के अगर चले, अपने मन को थोड़ा भी झुकाने की कोशिश करे तो मन फिर झुक भी जाता है। मान ले, समझ में आती ना, मन की गलती दिखाई नहीं देती तो आदमी नहीं मानता उसको। गुरु की बात को ऊपर जब हम करते हैं तब साफ साफ दिखाई देता हमारी गलती है। तो जब बोलते हैं कोई बात समझेगा और दूसरे वाले शिकायत करती है, अब इनके घर से कोई आए नहीं, क्या मन में लड्डू है हम भी नहीं जानते। नहीं, बातें ऐसी चल गई तो बोला वो यही बात। कभी कभी तुम लोग को शक होता है ना, भाई हमारे घर का जो मैं होगा उसने बोला होगा, ऐसी बात नहीं है। क्यों? मन तो सबका एक है, मन की भाषा एक ही है और ज्ञान भी एक ही है, मन के ऊपर चलता है। तुमको ऐसा लगता है भाई चोर से दाढ़ी से चिंता, तो उसको ये मालूम होता है कि हाँ इसी में झगड़ा हो जाती है। बेचारे घर वाले जब दो चार आने वाले होंगे तो एक को गाली देंगे तो दो चार खबर आ जाए। भाई भगवत भाव नहीं होता जब हमारे मन में विचार उठता है ना कि किसी ने कहा होगा, अगर भगवान का भाव होता तब ख्याल नहीं होगा, तब ये लगता है। एक बात है, भगवत भाव की कमी से तो विकार घेरते हैं आ जाते हैं, तो भगवत भाव तो सच में कम होता है तभी मन के ऊपर विकार आते हैं। तो उस समय में ये मान के कि किसी ने कहा होगा और विकार चले जाते हैं हमारे ऊपर, ये कम नहीं होता विकार। ज्ञान समझ में कम होता है, नहीं तो ज्ञान हर एक आदमी समझता है, अच्छा मानता है, चल क्यों नहीं पाता नछो नछो इंसान से दिल हटाई आ रही। इंसान को अच्छा लगता है लेकिन क्या करता, भजन वजन करता नहीं, आगे उधर सोने लगता है बिना मतलब। भजन वजन इतना करे ना तो ये पाँव सुना आपको नहीं पसंद है, याद रखना। कोई भी हमारा कोई भी पैर न छू, पाँव सुना भी हो जमीन छू, आपको अच्छा ही नहीं रहता, दिल से चिड़ हो गई। जब तुमको पाँव सुने का बहुत शौक आ जाए ना, ऐसा करो नमस्ते जमीन धरती माता को छू अच्छा रहे, क्या पाँव सुना बेकार, वचन छुए तो अच्छा है, पाँव सुने शब्द मरे ना फल पाओ, जो शब्द के ऊपर मरता है तो उसने शब्द छुआ। यदि तुमने मेरा शब्द नहीं माना, लाल पाँव छुआ उस पाँव छूने से क्या फायदा, हमको आराम नहीं मिलता, बिल्कुल पसंद नहीं। बस तुम ऐसा दिल में नमस्कार कर लो ना,
बस वही अच्छा है। वचन सुना ही हमें अच्छा लगता है, भावना छू है वचन छू। आज जो सबेरे निर्वसन होने की बात चली थी, निर्वसन मतलब मन के ऊपर जो कपड़े पर्दे पड़े हैं उनकी सत्संग में बात नहीं चली थी, तभी भगवान से भेंट हो सकती है। तो ये वसन हमारे ऊपर क्या चले, यही विषय यही विकार यही मन ने ही तो पर्दे डाल दिए हमारे ऊपर, तो इन पर्दों को गुरु फाड़ता है। हमारा मन कहता है इसको ढक दो, तो उससे हम और ढक जाते हैं ना, भगवान से दूर हो जाते हैं। गुरु उनको हटाता है, हम भी हटवाते चले तो मन उतना ज्यादा कष्ट नहीं देगा। दुखी हमेशा रहते हो लेकिन अपना अहंकार देखते नहीं, दुखी हमेशा रहता है हर इंसान, हर चीज दुखी रहता है। अहंकार कभी देखा है सार देखा, जैसे पर्दा सार पड़ने वाले सार की तरह अहंकार होता है। अच्छा यदि अहंकार न रहे तो दुखी भी ना हुआ, जो घर से दुखी हो गया था ये अहंकार ही दुखी हो गया। ज्यादा काम करने की वजह से बहुत काम करने का अहंकार जो है दुखी नहीं होगा, जो ज्यादा में ज्यादा अहंकार होगा वो बस दुखी हो जाएगा। बोले बात सत्य है कि नहीं बताओ, पहले कितना दुखी होते थे घर से हम लोग, सब दुखी होते थे। अभी हम लोग कम दुखी होते हैं, क्यों कम दुखी थे, थोड़ा छट गया हो। आनंद आ जाता है गुरु जी का सच्चा ज्ञान। मनचंदा भैया है पढ़े, बस किताब पढ़ना है, थोड़ी देर पढ़ो, रवि पढ़ना है तभी पढ़ो किताब। जय गुरु के मासी। अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, अभी ज्ञान मिल रहा है ले लो, समय का भरोसा नहीं कल कहाँ चले जाओ। सत्संग में किसी भी तरह समय निकाल कराओ, सत्संग में एक दर्शन से ही लाभ होता है। संसार में पग पग पर कष्ट आते हैं, ज्ञान से ही शांति मिलती है और वह ज्ञान सत्संग में नित्य आने से ही होता है। जीव के कोटि कोटि पाप सत्संग के नियम से समाप्त हो जाते हैं, भगवान सूली को कांटा बना देता है। संचित क्रियमाण कर्म भी गुरु की कृपा से ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाते हैं। परमात्मा योग का समय देता है तो उसका पूर्ण रूपेण लाभ उठाओ। कष्ट भी अनुभव दे जाता है, कहते हैं दुख दारू सुख रोग भया, अर्थात दुखी अच्छा है जो भगवान की याद दिलाता है, वरना सुख में तो मनुष्य माया के मन में भूला ही रहता है। सब सुख है और भजन भी कर लो तो दुख क्यों आए। कबीर ने ठीक ही कहा है, दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोए, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तुम दुश्मन को भी मित्र समझो, जो तुमसे द्वेष करे उसको भी परमात्मा समझकर प्यार करो। सोचो वह तुम्हारी गलती को ठीक कराने आया है, कोई कड़वी बात आए तो मौन हो जाओ। गलती बताने वाले को भी कभी बुरा मत समझो, बाहर से ना बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर से भी उसके प्रति बुरा विचार ना आए ये बड़ी बात है। तुम बोलो मेरा भगवान है, तुम मेरा भगवान बोलने में सकुचाते हो। देखो मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोए, तो श्याम राधा का भी था रुक्मणी का भी था और मीरा का भी कहलाता है, सबको मेरा भगवान ही कहना चाहिए। सारे घर परिवार और वस्तु को तो अपना बताते हो और भगवान दूसरे को बताते हो, अरे तुम बोलो मेरा भगवान। प्रश्न, हमने तो बहुत पूजा पाठ की पर शांति क्यों नहीं आई। उत्तर, पूजा पाठ से शांति कभी नहीं मिलती, यदि मिलती ही होती तो पुजारी तो सबसे ज़्यादा पूजा करता है, वह भी अशांत रहता है, कारण ज्ञान नहीं है। शांति ज्ञान से ही मिलती है और वह भी सद्गुरु की शरण में जाने पर। अर्जुन को भी जब मोह ने आ घेरा और उसका मन अशांत हुआ तो अहंकार रहित होकर ज्ञान देने के लिए उसने कृष्ण से कहा और तभी ज्ञान हुआ और शांति मिली। तू खुद आनंद स्वरूप है पर ना जानने के कारण ही दुखी सुखी होता रहता है। प्रश्न, सब कुछ होने पर भी खुशी क्यों नहीं आती। उत्तर, खुशी ना आने का कारण है दुख का सदा चिंतन करते रहना। तुम पर जरा सा भी कष्ट आता है तो तुम प्रभु का शुक्राना भूलकर दुख का चिंतन करने लगते हो, इसीलिए जो खुशी मिली भी हुई होती है उसका अनुभव नहीं कर पाते। हमारे पास तो तुमसे भी ज्यादा बवाल है पर हम खुश क्यों रहते हैं, कारण हमारी खुशी है कि दुख आता है तो खुश और जाता है तो खुश। प्रश्न, इतने सांसारिक झंझट होने पर भी विरक्ति क्यों नहीं होती। उत्तर, तुम भगवान का चिंतन और जप नहीं करते, अभी कोई कटु शब्द बोलेगा तो उसको बुरा समझकर भाग खड़े होगे, कुछ देर बाद जब अच्छा बोलेगा तो सब भूल जाओगे
उसी की तरफ दौड़ोगे तो विरक्ति कैसे हो। भगवान को पाने के लिए सारी दुनिया को लात मारकर भगवान की ओर आना पड़ेगा, तभी पूर्ण विरक्ति होगी। तुम्हारा मन बड़ा धूर्त कपटी बेईमान है, इस मन को जितनी गाली दें थोड़ी है। तुम फूलमाला चढ़ाकर हमको बेवकूफ मत बनाओ, हम इससे खुश नहीं होंगे। हमको परमात्मा में डूबा हुआ तुम्हारा दिल चाहिए। जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं वे दिल देकर जाते हैं, भगवान मिठाई से खुश नहीं होता। तुम दुख का चिंतन करके अपनी बुद्धि खराब करते हो, तुम तो दिन रात बेटे बेटी का ही चिंतन करते रहते हो। अरे जो होना होगा वही होगा। तुम सोचते हो कि बहू आएगी, फुर्सत मिलेगी तब भजन कर लेंगे, पर बहू आने के बाद दूसरा बवाल आकर खड़ा हो जाता है। फिर इसी तरह सोचते सोचते समय निकल जाता है। अतः परिस्थितियों पर भरोसा मत करो, वे कभी भी अनुकूल नहीं होंगी। जैसी भी स्थिति हो आज से ही भजन करो। कहीं भी मन जाएगा तो भगवान की भक्ति नहीं होगी। भगवान बड़ा ही CID है, वह तुम्हारे चित्त को हर समय देखता रहता है कि ये कहाँ गया। इसलिए चित्त को भगवान में लगाओ, तुम्हारा सब काम भगवान ठीक कर देगा। तुम आज से ही भगवान भगवान जपो। कहते हैं कि जब भूली तू आपको तब व्यापे संसार, इसलिए भगवान के चिंतन को एक पल भी ना छोड़ो। प्रश्न, हमारा भारत आज गरीब देश क्यों कहलाता है? उत्तर, हमारा भारत आज इसीलिए गरीब कहलाता है क्योंकि हम कोई भी काम करने में अपमान समझते हैं। विदेशों में लोग छोटे छोटे काम भी खुद कर लेते हैं और अपनी बेइज्जती नहीं समझते। आज हम सबको भी काम करना चाहिए, तभी हमारे देश से निर्धनता जाएगी। लड़कियां औरतें सोचती हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, पर कौन सा ऐसा काम है जो वे नहीं कर सकती? ये तो तुमने अपने को औरत मानकर कमज़ोर समझ रखा है। तुम सेवा करो, सेवा का फल यही मिलता है, दुष्टता का फल भी यही मिलता है। तुम सेवा करते हो और बोलते भी रहते हो, की हुई सेवा के बोल देने से सेवा का महत्व खत्म हो जाता है। तुम मौन होकर सबकी सेवा करो, सारा झंझट बोलने से ही होता है। कहा भी है, तुम शांत रहो कोई शोर नहीं, तुम मौन रहो कोई और नहीं। तुम घर में एक एक से जलते हो, ये जलन अपने मन से निकालो तभी तुमको आराम आएगा। जब तक मनुष्य सत्संग की पैरवी नहीं करता तब तक वह खुजली के कुत्ते की भांति होता है। तुम तो शरीर को लेकर ही बैठे रहते हो, निकलते ही नहीं। ज्ञान अग्नि कर्म दग्ध, संस्कार तो आते हैं पर गुरु अपने योगबल से उनको भस्म कर देता है, अर्थात महानता दे देता है, जिससे उसके संस्कार जल जाते हैं। यहाँ तक कि क्रिया कलाप कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। किसी के लिए कोई ख्याल मन में मत रखो, सब परमात्मा के ही रूप हैं, सब प्यारे हैं, तो प्यारों से क्या जलना। तुम्हारा बुढ़ापा सफल हो गया, घर में चाहे जितना भी बवाल हो, सत्संग में आकर तुम आराम में आ जाते हो। तुमको यहाँ कोई सता नहीं सकता, गुरु का हाथ जिसके ऊपर हो उसको 9 ग्रह देवता आदि कुछ नहीं कर सकते। मन भूत भी दुखी नहीं करते, विकार विषय भी हमला नहीं कर सकते। तुम बोलते हो विकार तो अब भी है, पर तुम स्वयं अपना निरीक्षण करो, तो पता चलेगा कि पहले से अब कितना अंतर है। पहले तो तुमको बात बात में रोना आ जाता था, हंसी आती ही नहीं थी, पर आज कितना हंसते हो। अभी किसी के यहाँ रोज रोज जाओ तो एक दो दिन तो आदर सत्कार करेगा, लेकिन रोज रोज आते देखेगा तो ऊब जाएगा। यहाँ तो रोज रोज आते हो, एक ही जगह ऐसी है जहाँ आकर तुम आराम महसूस करते हो, वह जगह है सदगुरु की शरण। तुम बस मौन होकर रहो, जहाँ भी तुम ज़्यादा बोलोगे कोई रहने नहीं देगा। तुम एक एक के आगे नम्रता से झुको, जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको सभी नमस्कार करेंगे। बड़े बड़े धुरंधर भी देखो आज हमारे सामने क्यों झुकते हैं, कारण हमने भी अपने को इतना मिटाया होगा। इसीलिए हम तुमको भी कहते हैं, हम अनुभव की बातें तुम सबको बताते हैं, ज्ञानी का धर्म ही है झुकना। तुम सोचते हो कि दूसरे हमारे आगे झुकें, पर हम तो तुमको ही झुकने को कहेंगे क्योंकि तुमने ज्ञान लिया है। भगवान ने विवेक इसीलिए दिया है कि तुम उसका यथा समय उपयोग करो। गुरु ने शिष्य से कहा कि जहाँ तहाँ भगवान है, तो उस शिष्य ने यह बात को पकड़ लिया। एक बार पागल हाथी आ रहा था, महावत कह रहा था कि हट जाओ, वह शिष्य हटा नहीं और गिर गया और उसको चोट लग गई। तब गुरु के पास गया तो गुरु के पूछने पर उसने सब हाल बताया। गुरु ने कहा कि जब महावत तुम्हें सावधान कर रहा था तो तुम वहाँ से हटे क्यों नहीं? इस पर शिष्य ने कहा कि आप ही ने तो कहा था कि सब में भगवान है, इसलिए मैंने सोचा हाथी में भी परमात्मा है, वह मुझे कष्ट नहीं देगा। इस पर गुरु ने कहा कि सब में परमात्मा है तो उस महावत में भी तो परमात्मा था जो तुमको सावधान कर रहा था।
इसी तरह हम भी ज्ञान सुन तो लेते हैं पर उसका प्रयोग सही नहीं कर पाते। यह कला गुरु ही बताता है और वही समझ पाता है जिसका विवेक जागृत हो जाता है। अतः विवेक से ही काम लेना चाहिए। कर्म हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, फल कैसा भी हो। मनुष्य कर्म करके आशा लगाए रहता है कि फल अच्छा ही मिले। निष्काम कर्म करने से ही अच्छा फल मिलेगा। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि वैसे तो मैं सब प्रकार के सत्कर्मों से प्रसन्न होता हूँ, पर निष्काम कर्म से मैं अति प्रसन्न होता हूँ। हर बात में भलाई होती है, यह भावना तभी आती है जब हम नियम से सत्संग करते हैं। वैसे तो जगत में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो कुछ भी होता है उसमें भगवान की भलाई दिखाई पड़ती है। एक गुरु ही मनुष्य में इस भावना को दृढ़ कराता है। गुरु देह भाव को बुलाकर आत्मा में टिकाता है, तभी दुख सुख में भी मनुष्य भलाई समझता है। कहा भी है, आप विसर्जन होए तो सुमिरन कहिए सोए। सब बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि संतों के संग से ही मनुष्य जीवन में लाभ होता है। कहा भी गया है, मिल साधु संगत भज केवल राम। देखो, हम सब मिलकर रोज भजन करते हैं, घर में इतनी देर बैठकर कहाँ भजन कर सकते हैं। घर में हम भजन करते भी हैं तो ध्यान इधर उधर भी जाता है। कहते हैं कि मनुआ तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमरन नाही। तुम किसी भी तरह समय निकाल कर यहाँ आओ। एक भक्त ने गुरुजी को माला पहनाई, तब गुरुजी ने कहा कि ये तुम माला रोज क्यों पहनाते हो, तुम अपने को माला के रूप में कब अर्पित करोगे। संकल्प में सृष्टि तो है ही, मनुष्य उल्टा सीधा संकल्प करता है फिर भगवान पर दोष लगाता है कि ऐसा कैसे हुआ। मनुष्य एक नज़र से गुरु के दिल से हट जाता है। गुरु तुम्हारे हृदय की क्रिया पहचानता है। यदि आदमी गुरुमति पर चलता है उसके बाद नाना किया तो आत्मघात ही एंड होता है। संत ज्ञानेश्वर के पिता झूठ बोलकर गुरु के पास ज्ञान लेने गए कि मैं कुंवारा हूँ। एक दिन उनकी स्त्री उन्हीं गुरु के पास आई तो गुरु ने पुत्रवती होने का उसे आशीर्वाद दे दिया। तो स्त्री रोई और बोली, पुत्र कैसे होगा, मेरा पति तो आपके यहाँ है। पता चला कि वही संत उसका पति था जिसने झूठ बोला था कि शादी नहीं हुई है। गुरु ने उन्हें फिर भेजा, पर इतने दिन संन्यास के बाद उनका मन उसी को काटता रहता था। बाद में 4 बच्चे हुए। इसलिए कहते हैं कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। अंत में वह डूब कर मरा। इतने में भगवान ने देखा कि आत्महत्या करेगा तो आत्मघाती कहलाएगा, तो सांप से कटवा कर मारा ताकि आत्महत्या का पाप न लगे। संत ज्ञानेश्वर के बच्चों को उसी के कारण बड़े कष्ट सहने पड़े। गुरु के चरण की धूल उठाए बिना कोई भगवान को नहीं पा सकता। गुरु आज्ञा देता है तो कैसी भी हालत हो करना चाहिए, परंतु मन के वशीभूत होकर आसक्तिवश गुरु की हर एक बात को ना कर देता है। पर आज्ञा मानकर देखे तो कल्याण हो जाए। हमारा हृदय हमारी लगन के बिना भजन में नहीं रह पाता, इसीलिए आज हमको कोई नहीं रोक सकता। तुम ऐसा मत बोलो कि भगवान ने बंद कर रखा है, ऐसा नहीं है। लगन तुम्हारी नहीं होती। लोग कहते हैं कि अपनी बहू बेटी को तो लाते नहीं, हमको आने को कहते हो। अरे जो भी आएगा हम उसको नहीं भगाएंगे, वो आए तो हम क्या उनको भगाएंगे। भगवान पर विश्वास होगा तो भगवान सब काम अपने आप कर देगा। भगवान के रास्ते में जो दिल खोलकर खर्च करता है उसका भंडार भगवान भर देता है, सब यही मिलता है। कितनी भी दुनिया में उल्टा सीधा कार्य होता है उसको लेकर अपने को सुखाना मूर्खता है। खाना पीना भगवान ने इंसान के लिए ही बनाया है, हम खाते नहीं, यह हमारा अहंकार ही है। भगवान ने केला बनाया, छिलके से ढककर बनाया, सब सामान तुम्हारे लिए ही बनाया और तुम ना खाओ, ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारा अहंकार है। तेरी नेकी बदी नहीं हमसे, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छिपी, सब देख रहा भगवान, अतः शांत होकर रहो। माँ के हृदय को जलाना सबसे बड़ा पाप है। तुम आत्मनिश्चय में रहो तभी आनंद आता है। जगत में तो दुख सुख मिलता ही रहता है, परमात्मा में आनंद ही आनंद है। ऐसे परमात्मा में जो आ जाता है, जो शक्ति ब्रह्मांड में है, वही उसी में है। जैसा निश्चय होता है वैसा ही होता है। हमने औरत का भाव किया तो औरत समझने लगे, मर्द का भाव किया तो मर्द बने में है। जब गुरु ब्रह्म निश्चय कराता है तो हम ब्रह्म निश्चय में हो जाते हैं। फिर हम साक्षी भाव से जगत को देखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म को ही पकड़ते हैं। बोला है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जो नाम आधार। जितना रस राम में है उतना किसी में नहीं है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। जो नाम को पीता रहता है वह अलौकिक नशे में रहता है। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं,
वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। देखो, घर में बहुत चीज़ें हैं, पर परमात्मा के बिना उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वह नाम को पीता है। नाम से जगत की विस्मृति होती है। हवाई जहाज़ पर बैठने वाला नीचे सब कुछ होते हुए भी ऊपर ही रहता है और देखता रहता है। इसी तरह परमात्मा में डूबा व्यक्ति जगत से उपराम रहता है। सदा बसत तुम साथ, तुम सब में वही परमात्मा है, एक जाग गया है, एक सोया है। संशय वृत्ति से भगवान नहीं दिखाई देता, रामकृष्ण भगवान होता है। शक्ति एक ही है, जैसी जैसी जगत की आवश्यकता हुई वैसी शक्ति लेकर भगवान आया। ये सब देवी माता की भक्त थी, पर राग द्वेष विषय में जलती रहती थी, पर देखो आज आया है देवी रूप में। भगवान रक्षा कृपा करता रहता है। देखो तुम्हें कैसे पाला, बाहर आए दूध दिया, माँ चिंता करती है कि क्या खाएगा। उसके बाद बड़ा होता है, उसकी तकदीर लिखी पड़ी है। कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण इसीलिए किया क्योंकि उन औरतों को कृष्ण से बड़ा लगाव था। यदि कृष्ण ही देहधारी घूंघट ना खोलते तो और कौन खोलता। देह रूपी घूंघट खोलने के लिए ही कृष्ण ने चीरहरण की लीला की। चीर चुराना तो एक स्थूल बात है, देह अध्यास को हटाने के लिए ही कृष्ण ने ऐसा किया। इसी तरह व्यक्ति का देह रूपी चीर गुरु हर लेता है। जीव भाव का चीर तब तक हरा ना जाए, जीव भाव का चीर जब तक हरा ना जाए तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। अर्जुन ने बहुत कुछ कृष्ण से सीखा, फिर कृष्ण से बोला मुझे गोपनीय रहस्य चाहिए। तब कृष्ण ने अर्जुन को राधा जी के पास भेजा, तब अर्जुन ने गोपनीय प्यार पाया। अपने स्वभाव को बदलो, इधर की उधर मत करो। पहले के पाप से इतना कष्ट मिला है, अब क्यों करते हो। कभी कभी झुंझलाहट में मनुष्य बहुत कुछ कह जाता है जो उसके मन में भी नहीं होता। अतः गम खाओ, बहुत गम खाना पड़ता है। घर, ऑफिस, दुकान, सब जगह गम खाना पड़ता है, धीरज खाना पड़ता है। मेरी यह बात ध्यान, जय सतगुरु।